स्कूल छूट जाता है, लेकिन बारिश की वजह से सब स्कूल नहीं रुके थे। तभी टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूँ तो तुम क्या करोगे। सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा मैं चॉकलेट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं डॉल खरीदूंगी, लेकिन एक बच्चे को पूछने पर वो कहता है कि मैं चश्मा खरीदूंगा मेरी माँ के लिए, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ कपड़े सिलती है और उसे एक आंख से कम दिखाई देता है। ये सुनकर टीचर भावुक हो जाते हैं और बच्चे को 100 के बजाय 200 रुपए देते हैं, लेकिन बच्चा सिर्फ 100 रुपए ही ले रहा था। तब टीचर उससे कहते हैं कि जब तुम बड़े होकर पैसे कमाने लगोगे तब मेरे पैसे वापस कर देना, लेकिन जीवन में हमेशा मदद करने वालों का सम्मान रखना, कभी घमंड मत करना। तब बच्चा पैसे ले लेता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। 20 साल के बाद एक दिन उसी स्कूल के बाहर एक जिला कलेक्टर की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है। सभी लोग हैरानी से देखते हैं। वो लड़का उसी टीचर के पास जाता है, उनके 100 रुपए वापस करता है और उनके पैर भी छूता है। ये देखकर टीचर की आंखें नम हो जाती है। वो टीचर ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि वो बच्चा आज कामयाब है और साथ ही में उसने उन्होंने सिखाई बातों का सम्मान भी किया था। दोस्तों, हमेशा कामयाब होने पर बीते हुए कल में जिन्होंने भी आपकी मदद की है उनका हमेशा सम्मान कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।